श्री परमात्मने नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ श्रीऋषिभ्यो नमः ॐ सहनावतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवा जस्विनावीतमस्वेशाबह ओ शांति 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 सर्वेभ्यो नमः देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति हाद स्वागत मित्रों अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणनीय प्राचीन व्याकरण का आरंभ हुआ है लगभग साढ़े चार हर हजार वर्ष बाद महर्षि पाणिनि जिस विधा से पढ़ाते थे अपने विद्यार्थियों को उसी विधा से आज हम आपको पढ़ा रहे हैं इसी को कहते हैं प्राचीन व्याकरण प्राचीन अर्थात महर्षि पाणिनि के समय की जो परंपरा नव्य परंपरा बाद में आई ठीक है तो महर्षि पाणिनि की रियल परंपरा तो प्राचीन व्याकरण परंपरा ही है तो उसी को पढ़ने के लिए हम यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित होते आ रहे हैं तो आज हम इसकी कक्षा चार को पढ़ेंगे चतुर्थी कक्षा तीन कक्षाएं पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा मित्रों प्रत्याहार सूत्रों को हम पढ़ रहे हैं ठीक है प्रत्याहार सूत्रों को हमने गत कक्षा से पढ़ना आरंभ किया है एक कक्षा प्रत्याहार सूत्रों की हमने पढ़ा दी है आज आगे की कक्षा पढ़ेंगे इस प्रत्याहार सूत्र को पच्ची प्रकार से मैंने जितना आपको अभी आवश्यक है उतना पढ़ा दिया ठीक पढ़ा दिया अब मैं अपनी तरफ से ही आपके लिए शंका उपस्थित करूंगा और फिर उसका आपको समाधान भी दूंगा वैसे जो ये शंका है और इसका जो समाधान है प्राय करके जो पाणनी व्याकरण को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उनको समझ में कम आएगा परंतु जो थोड़ा सा पर्णनीय व्याकरण जानते हैं थोड़ा थोड़ा उनको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी ये शंका और उसका समाधान भी थीके? इस प्रत्यार्थ सूत्र को हमने आपको पढ़ा दिया था ठीक है आई उड़ देख लीजिएगा ये पढ़ा था हमने ठीक है आई उण और इससे एक प्रत्याहार बन गया था हमारा अण अण प्रत्याहार बन गया था अब यहां पर कोई बुद्धिमान छात्र विद्यार्थी पाठक मन में विचार करने लगे कि महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया आई उण तो यहां पर महर्षि पाणिनि की जो संधि नियम है संधि तो आप सभी जानते ही है जो संधि है वो संधि नियम यहां पर क्यों नहीं लग रहे हैं संधि नियम क्या है आप देखेंगे कि आ ई आपके बाद में क्या है ई तो आपके बाद ई होता है तो क्या है गुण संधि होती है एक क्या गुण संधि आपको पढ़ाया था तो यहाँ पर गुण संधि होकर के क्या बन जाएगा ए ऐसा हो जाएगा और ई को ए।, ए हो जाएगा फिर आगे आ रहा है ऊ <laughs> फिर क्या आ रहा है आगे ऊ यदि एक के बाद में हम ऊ रखते हैं तो इसको क्या संधि होगी इसको अयादी संधि होगी ए चो यवा याबा जो पढ़ाया रचना अनुवाद कौमदी में क्या होगी अयादी संधि होगी तो ए को क्या हो जाएगा आया आया और ये ऊ इसमें मिल जाएगा तो ये सूत्र कैसा बन जाएगा ऐसा बन रहा है आयुण भाई महर्षि पाणिनि के संधि नियमों से तो ये सूत्र ऐसा बन रहा है अयुण क्या है आयुण तो यहां संधि क्यों नहीं की महर्षि पाणिनी ने भाई उनकी संधि तो नियम है वो संधि तो होनी चाहिए थी अथवा हमने माना संधि ऐच्छिक है ऐच्छिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां पर संधि कर देंगे तो ऐसा सूत्र बन जाएगा अयुण और जब नहीं करेंगे तो ऐसा रहेगा क्या दो प्रकार से सूत्र बन सकता है दो प्रकार से बन जाएगा फिर तो कई सूत्र हो जाएंगे चौदह सूत्र ही नहीं रहेंगे फिर तो संख्या उनकी बढ़ जाएगी है? संख्या में वृद्धि हो जाएगी इसी प्रकार से आगे के भी सूत्र हैं, उनमें भी संधि होने लगेगी तो यह संधि क्यों नहीं की महर्षि पाणिनि ने क्योंकि संधि से ये सूत्र और छोटा हो जाता क्योंकि तो महर्षि पाणनी की तो यह कला है कि वो अधिक से अधिक को छोटे में बताते हैं। यदि यहाँ पर कितने वर्ण है देख लीजिएगा उ और यहाँ पर क्या आ या उ, इतने कम हो जाए इसमें कुछ तो कम हो जाता और बोलने में भी कोई परेशानी नहीं है उच्चारण में भी कोई कठिनाई नहीं है अयुण 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 तो ऐसा क्यों नहीं किया अब इसका समाधान सुन लीजिएगा इसका समाधान महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र में ही दिया हुआ है ठीक है देखिएगा ये जो है आपके प्रत्याहार सूत्र ठीक है ये क्या है ये देख लीजिएगा ये प्रत्याहार सूत्र है आपके तो ये 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 यहां तो नहीं बस इतने में यहां पर संध्या प्राप्त तो होने लगेंगी तो संध्या क्यों नहीं हुई इनका समाधान मैं आपको बता रहा हूं जितना आपको समझ में आ जाए उतना काफी है बाकी आप जब प्रथम अध्याय पढ़ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा महर्षि पाणिनि ने क्या किया है कि ये जो सूत्र हैं ये जो वर्ण है आ ई री री ए ओ और आई आउ इतने वर्ण आगे चल के आगे चल के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद में चौथे पाद में एक सूत्र है मैं दिखाता हूं आपको आइए ये सूत्र है चादयो सत्वे क्या सूत्र है ये चादयो सत्वे ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का सत्तावनवा सूत्र है देख लीजिएगा एक चार सत्ता सत्तावन फिफ्टी सेवन ठीक है इस चादयो सत्वे जो चादी गण है चादी शब्दों का एक समूह है उनमें पढ़ा हुआ है यहां पर आपको मैं दिखाता हूं ये चादी गण में पढ़े हुए हैं देखिएगा ये पढ़े हुए हैं आई उ ठीक है री री ए, -ए ओ बस और भी है हमें इतनों का ये भी कार्य करना है ये यह यहां पर पढ़े हुए चादयो सत्व ये सूत्र क्या करता है चादयो सत्वे इनकी निपात संज्ञा करता है क्या करता है ये बोलो निपात संज्ञा इस सूत्र से चादयो सत्व से इनके सब की क्या हो जाती है निपात हो जाती है निपात बोलते हैं इनको क्या है निपात आगे आप देखेंगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा निपात नाम रख दिया है इनका इन सब का रखा हुआ है परंतु हमें तो अभी इनका ही देखना है ठीक है इनका क्या नाम है निपात और जो निपात होते हैं ये ध्यान देंगे इनमें क्या है एक ही एक स्वर है ओ औ अकेले वर्ण है कोई दूसरा वर्ण नहीं इनके साथ में अब क्या किया महर्षि पांडी ने सूत्र से तो इनकी का इनका नाम रख दिया निपात फिर एक यहीं पर आगे पढ़ेंगे प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का चौदहवा सूत्र है ये क्या है? निपात एका जनांग ये सूत्र अभी नहीं समझ में आएगा आपको आगे समझ में आएगा ठीक है यह क्या कहता है कि एक अचवाला माने एक वो, वन वोवेल वाला माने एक वोवेल जिसके अंदर है केवल एक और कोई कुछ वर्ण नहीं है व्यंजन भी नहीं है केवल और केवल एक वो बल अच्छ 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 का बोलते स्वर उसको ऐसे जो निपात होता है मैं निपात और कैसा निपात केवल एक अच्छ वर्ण वाला और कोई वर्ण नहीं होना चाहिए तो कहते हैं उसकी प्रग्रिय संज्ञा होती है जी अभी अर्थ देखिए सूत्र का अर्थ है एकाच यो निपाता तस्य प्रगृह संज्ञा भवती आंगम वर्जय इसको छोड़ दीजिए एक अच वाला जो निपात होता है उसकी क्या हो जाती है प्रगृह संज्ञा निपात की भी प्रगृह संज्ञा कर रहे हैं एक और नाम रख रहे हैं उसका अब अब हमने ये देखा था कि ये जो निपात हैं ये निपात हैं क्या अकेले अकेले है यहां पर एक आच कोई भी वर्ण इनके साथ में तो इनकी अब क्या हो गई निपात संज्ञा हो गई और दूसरी संज्ञा क्या हो गई प्रगृह संज्ञा क्या हो गई प्रगृह संज्ञा निपात संज्ञा का प्रयोजन हो गया आपका मुख्य रूप से यहां पर इनका प्रगृह संज्ञा करना अब प्रग्रह संज्ञा होने से क्या होता है जिनकी भी प्रग्रिय संज्ञा हो जाती है उनमें कोई भी संधि कार्य नहीं होता है ठीक है यह महर्षि पाणी ने नियम बनाया है आगे आप छठ में अध्याय में देखेंगे एक सूत्र है छह एक, एक सौ इक्कीस आगे समझ में आएगा यह क्या कहता है कि प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम। हमें ये प्लुत नहीं लेना अभी प्रग्रिय संयक मान प्रग्रिय संयक जो वर्ण होता है और आगे यदि कोई स्वर आ रहा है तो उसमें कोई भी संधि कार्य नहीं होता है जैसे यहाँ पर प्र प्रकृत्या मान प्रकृत्या प्रकृति भाव रहता हूँ जैसा है वैसा का रहता जैसे ये देखिएगा अग्नि इति यहाँ पर कहीं अग्नि की ई की प्रग्रिय संज्ञा की हुई है किसी सूत्र से और आगे ई आराध्या अब सवर्ण संधि नहीं होगी क्योंकि प्रगति संज्ञा है इसकी आगे अब ई के परे रहते दीर्घ नहीं होगा इस नियम से इस प्रक्रिया से महर्षि पाणिनि ने इन प्रत्याहार सूत्रों में आय उड़ रेलिक ए ओं औ संधि का निषेध किया हुआ है संधि इसलिए नहीं होती है समाधान आपको पूरा नहीं तो कुछ तो प्रतिशत आया होगा नहीं तो आगे इस दब आ, इस पाद को पढ़ लीजिएगा अध्याय को पढ़ लीजिएगा बाद में इस वीडियो को देख लीजिएगा ठीक है तो महर्षि पाणनी के इन सूत्रों में संधि नहीं होती है आप समझ में आ गया होगा ठीक है इसलिए कोई भी आपको पूछता है कि भाई इनमें संधि क्यों नहीं होती है तो संधि का कारण बता दीजिएगा ये चादयो सत्वे सूत्र से निपात संजक हैं और निपात संजक होने से इनकी प्रग्रीय संज्ञाएं निपात एकाजनांग से और निपात एकाजनांग से प्रग्रीय संज्ञाएं इसलिए प्रग्रीय संजक को कोई भी संधि कार्य नहीं होता है इसलिए यहाँ पर संधि नहीं होगी यही सूत्र रहेगा महर्षि पांडनी जी की सूक्ष्मता को देख लीजिएगा सूक्ष्मता को देख लीजिएगा उन्होंने प्रत्याहार बनाते समय प्रत्याहार बनाते समय आगे ध्यान रखा जाकर के भाई मैं इसको ऐसा करता हूं इससे यह भी सिद्ध होता है कि ये प्रत्याहार सूत्र महर्षि पांडनी ने ही बनाए हैं <laughs> और किसी ने नहीं बनाए हैं भाई और कोई बनाता तो महर्षि पांडिनी जी पर उसकी निपात संज्ञा और वो संज्ञा क्यों करते हैं कहते माहेश्वर सूत्र हैं जी बस माहेश्वर को यही इष्ट है? है? है इसलिए ऐसे पढ़ते हैं नहीं महर्षि पांडिनी ने बनाए हैं स्वयं चिंतन करके और कुछ प्रत्याहारों सूत्रों को पूर्व आचार्यों के व्याकरण से ग्रहण कर लिया है ठीक है अब पक्का सौ प्रतिशत ये हो गया ये कोई माहेश्वर सूत्र नहीं है ये महर्षि पाणिनि के द्वारा बनाए हुए ही सूत्र है ध्यान रखिएगा तर्क की कसौटी पर तौल करके मैं आपको बता रहा हूं कोई हवा में नहीं उड़ा रहा बात को हवा में नहीं उड़ा रहा और आप यह भी नहीं कह सकते कि मुझे व्याकरण की जानकारी नहीं है मुझे पूरी व्याकरण की अच्छी जानकारी है तभी मैं आपको यहां बता रहा हूं आगे पीछे के प्रसंगों को ठीक है और आगे पीछे के प्रसंगों को बता करके आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो कुछ सैकड़ों वर्षों से जो एक व्याकरण के अंदर अंधविश्वास पैदा हो गया है शिव जी के डमरू से ये प्रत्यार सूत्र निकले हैं उस अंधविश्वास का भी हमें अपने मन और मस्तिष्क और बुद्धि से नष्ट करना है वास्तविकता को समझना है ठीक है चलिएगा ये तो हो गई आपकी ये बात संधि बता दी अब ये समय लगा लीजिएगा यही होगा अब हम चलते हैं आगे हमारा दूसरा प्रत्याहार सूत्र है बोलो रिल्रिक क्या है रिल्रिक आ जाइएगा वर्ण वर्णावपिश्य पूर्वांश्चाते ककार मित्र करोहाराथम आचा पाणी निराचार्य अपने आप जोड़ लेंगे ठीक है कहते हैं री और री इन दो वर्णों का इसमें उपदेश करके वर्ण वर्णों का उपदेश 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 करके पूर्वान या पूर्वान का अर्थ क्या है पूर्वान माने जो पूर्व के आई ऊ पूर्व के आ ए, उ और रिली इन सबका ग्रहण होगा जान देंगे मैने पूर्वा पूर्व वर्णों पूर को उपदेश करके पूर्व में ये री और लिरी भी आ जाएंगे और आ, इ, उ भी ये भी आ जाएंगे ठीक है पूर्व में माने से पूर्व में अंते अंत में ककारम इस ककार को इतम करोती माने इसको इत संज्ञा करते हैं इसका इत संज्ञा नाम रखते हैं इसके लिए प्रत्याहारार्थम प्रत्याहार निर्माणार्थम प्रत्याहार के निर्माण के लिए ठीक तस् ग्रहणम भवती त्रिभी आ तस्य ओ इहणमती मनीष ककार का ग्रहण होता है तीन के साथ पूर्व के जो तीन वर्ण हैं उनके साथ होता है ओन से ध्यान देंगे ये क्या है या संधि हो रही है वास्तव में ये ऐसा है पूर्वान और चा चा, चा और अंत इसको अलग अलग करेंगे तो ये ऐसा है या संधि करते हैं तो न को अनुस्वार आदि होकर के सकार आदि हो जाता है तो पूर्वांश या पूर्वान मान पहले के वर्णों को पहले के वर्ण मैंने बता दिए आ ई और रेलवे इनको उपदेश उपदेश करके ठीक है या अकेला ऐसी सूत्र का नहीं ले जाएगा इससे पहले का भी सूत्र जुड़ता चला जाएगा और उनका उस ककार का तीन के साथ में ग्रहण होता है तीन के साथ में ककार प्रत्याहार का निर्माण करता है ग्रहणम भगवती का प्रत्याहार का निर्माण करता है अक अब देखिएगा अक ये बना दिया जी अक और क के साथ में इक और उक तीन प्रत्याहार बन गए इससे अब अकारी अक अक, बने ककार से अब देखेंगे हम इस अक कहने से अक कहने से किन वर्णों का ग्रहण होगा देखिएगा हमारे पास में क्या है उ और ये अना था ठीक है और फिर क्या है? री, और, ल्री, और का ये ध्यान देंगे ये बीच वाले जितने भी हलनते हैं उनका ग्रहण नहीं होता है अब इस क के दो का के साथ हमने तीन प्रत्यार बनाए क्या बनाए आ के साथ बना दिया ई के साथ बना दिया और ऊ के साथ बना दिया रे और री के साथ में नहीं बनाना अब देखिएगा अब आ से लेकर के क माने अक बनाया अक कह रहे हैं तो आ से लेकर के का माने का तो हट जाएगा हलंत है उसका तो ग्रहण नहीं होगा और ये भी हलंत है इसका भी ग्रहण नहीं होगा हलंतों की गणना होती नहीं वास्तव में उनका उनको कुछ कार्य नहीं होता अब क्या है आ ई री ली अक कहने से कितने वर्णों का जान हुआ है जी आई ऊ ठीक ल्र है ये अक कहने से आई ओ रिली इन वर्णों का बोध हो रहा है अब ये है संक्षिप्त कहीं पर भी अक कहेंगे महर्षि पांडि जी तो हमें क्या समझना है अक्का अर्थ अर्थ समझना है जी आ ई रिली उसी को कहते हैं इसका प्रयोग महर्षि पाणिनि ने कहा किया है तो एक छोटा सा एक सूत्र दे देते हैं एग्जाम्पल के रूप में अन्यत्र बहुत जगह किया है अकहा सवर्ण दीर्घ छतानवे यहां पर ये अकाह पड़ा हुआ है ये वस्तुता वास्तव में क्या है ये अक है ठीक है अक है उसका रूप चलाएंगे तब ये बना हुआ है अक तो यहां पर अक का अर्थ में अक क्या लेना है अक का अर्थ है यहां पर ये पांच वर्ण बोलो क्या है अक का अर्थ है ये पांच वर्ण अब ये सूत्र कोई काम करेगा तो अकह का करेगा इन पांच वर्णों को कुछ काम होता है बस ये मान लीजिएगा कुछ कार्य भी नहीं करना आपको बस ये समझना है कि अका अक कहने से वहां पर किसका बोध हमें करना चाहिए आक, आक क्या होता है आ, ए, उ अः ठीक है देखिये ऐसे ऐसे और भी अनेक जगह किया हुआ है ये आक हो गया और कहते हैं एक एक प्रत्यार अब एक में क्या होगा एक में ये आ, हट जाएगा भाई तो पूर्व में चला गया बाद वाले तो आएंगे और स्वयं का बोध तो होता है तो एको गुण वृद्धि ये सूत्र लिया एको गुण वृद्धि ये तीसरा ही सूत्र है प्रथम पाद के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का वृद्धि यहां पर एक का अर्थ में क्या लेना चाहिए एक का अर्थ यहां पर क्या होगा ई ओ री ली। चार ओ री चार वर्ण होगा क्या होगा बोलो ई ओ री और एक एक का अर्थ क्या समझना चाहिए ये चार बार ठीक है ऐसे ही उक उक कहां पर गया उग यहां पर वास्तव में ये उग दिख रहा है ये क्या है वास्तव में उक है सूत्र में संधि अधिकार होकर के काकु गा हो जाता परंतु हम इसको अलग अलग करेंगे तो उक है ये ठीक है तो उक है अब यहां पर उक उक से हमें क्या समझना चाहिए कहते हैं उक उक से क्या आ जाएगा ऊ रिली उक का अर्थ क्या होगा जी ओ रे और रे ठीक है कोई कंफ्यूजन नहीं है अक् एक बन गया अक्का अर्थ है अक् का अर्थ है आपका आ ई रिल री इका अर्थ है आपका उ रे री और उक का अर्थ है आपका रे रिली तीन प्रत्याहार बन गए इस सूत्र से और एक प्रत्याहार हमने बना लिया था पहले वाले सूत्र से आए कितने प्रत्याहार बन गए हमारे चार गिनते जाइएगा गिनते जाएंगे ठीक है चार प्रत्याहार हमने बना लिए कितने प्रत्याहार हैं हम पहले तैतालीस ही ले लेते हैं फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री में से हमने कितने बना लिए चार आप थर्टी नाइन बच गए उनचालीस बच गए ठीक है चलिएगा ये हो गया ये में ऐसे ही यहां पर भी संधि नहीं लगती है जो मैंने वो आपको शंका समाधान करके बताया था वो इसमें भी लग गया या कोई संधि नहीं होती है वैसे चलिएगा यार संधि होती नहीं है ऐसा मान लीजिएगा आप गुरुजी की हिंदी देख लेते हैं री ली इन वर्णों का उपदेश करके अंत में ककार इतक रखा है प्रत्याहार बनाने के लिए इससे तीन प्रत्याहार बनते हैं आका एक का कहां-कहां बनते हैं सो ऊपर संस्कृत में दिखा दिया है परंतु इसके अलावा अन्य अनेक जगह इनका प्रयोग है अष्टाध्यायी में ठीक है चलिएगा आगे आ जाइएगा आप अब आपको अब मैंने पटरी पर ले आया प्रत्याहार आरंभ से समझ में आ जाएंगे ए ओं ए ओ इत्ये तौ वर्णौ उपदिष्यान्ते नकारमितं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवत्येकेन एंगी पररूपं एक देखेगा क्या कह रहे हैं ए ओ, इन दो वर्णों को उपदेश करके अंत में या पूर्वान नहीं लिया पूर्वान नहीं लिया क्योंकि इसमें जो प्रत्यार बना रहे हैं इससे पूर्व का कुछ करना ही नहीं है न के साथ में जो पूर्व में जो आ, उ, और रेलरे उनको कुछ भी नहीं करना उनसे प्रत्यार बनाना ही नहीं इसलिए पूर्वान नहीं लिया ध्यान देंगे तो कहा उपदेश इन दो वर्णों का उपदेश करके और अंत में घकार मितम करोती घकार की संज्ञा कर, दे, कर देते घकार को संज्ञा कर देते हैं प्रत्याहार के लिए और तस्य उसका उस नकार का ग्रहणम भवती एक एक के साथ होता है किसके एकारेण माने एकार के साथ होता है इसके साथ एक ही बनता है एंगी पर रूपम तो क्या प्रत्यार बनता है ए न एंग बनता है बस एंग एंग का ग्रहण कहाँ दिखाया है अष्टाध्यायी में एंगी पर रूपम यहां दिखाया और भी जगह है तो अब एंग से हमें क्या बोध होगा बस दो ही आते हैं ए ओ और कुछ आता ही नहीं एंग माने ए ओ ए इन दो वर्णों का उपदेश करके अंत में न इत रखा है इससे एक एन प्रत्याहार बनता है चलिएगा ये हो गया आपका अब है हमारा आई आउच

इन वर्णों का उपदेश करके पूर्वा और पूर्वों के वर्णों का उपदेश करके पूर्व इसमें जुड़ जाएंगे इसमें पूर्व वाले जो हमने अभी पढ़ लिए तीन सूत्र रेलवे का और वो पूरे जुड़ेंगे इसलिए पूर्वांश पूर्व वर्णों का उपदेश करके चका अंत में अंत में ये चकारम इतम करोती प्रत्यारार्थम चकार की संज्ञा करते हैं किसके लिए बोलो प्रत्याहार के लिए और उस चकार का कहते हैं तस्य चकार चतुर्भे चार के साथ में होता है आ ए, ए आई इत इनके साथ में कितने प्रत्याहार बन गए आप बोलो आ अच च इच ए च एच ऐच चार बन गए अच इच एच च, आ, च, आ, च आ, आप देखे अच अच अच्छ का अचो इस सूत्र में यहां पर अच्छे पड़ा हुआ है तो अच का अर्थ में क्या समझना चाहिए से शुरू से कीजिएगा आ ए, उ। तो नहीं आएगा हलन वो तो रे रे का भी नहीं आएगा फिर ए ओ न, न भी नहीं आएगा आई आउ कितने वर्ण आ गए आपके नौ वर्ण आ गए अच कहने से आपका आपको किसका बोध होता है अच मीन्स अच बराबर आ ई ऊ री री और ए ओ, आई, और आउ। अब देख लीजिएगा अच्छ कहने से महर्षि पाणिनि ने इतने अक्षरों को बोल दिया इसका मतलब हुआ सारे वॉवल्स यही ही है बस इनसे क्या है हर का भी बोध हो रहा है दीर्घ का भी प्लुत का सबका हो रहा है ध्यान देंगे केवल या हरस्व नहीं है दीर्घ दीर्घ नहीं है सभी सभी जितने भी वॉवल्स हैं उन सबका बोध हो गया इसलिए जब अच्छ कहते हैं तो अच्छ का अर्थ होता है स्वर स्वर माने वॉवल्स समझ में आ गया तो एच से इनका हो गया और इच इच अब इच में क्या हो जाएगा ये आ कम हो जाएगा ये इच करेंगे तो इच में क्या हो जाएगा ये आ कम हो जाएगा इतने वर्णों का ग्रहण होगा इसका प्रयोग महर्षि पाणी ने कहा किया इच एक चोम प्रत्यय बच्चा यहां पर इच पढ़ा हुआ इच का अर्थ क्या है -्री -्री ई री ली ए ओ आई औ ऐसे एच का एचो यावा यावा एच का अर्थ क्या है यहां पर ये हट जाएंगे अब ये भी हट जाए ये 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 हट गया तो ये से आ गया ए, -ओ -आ -ए -ओ चार का बोध हो गया इस सूत्र में आईच। आईच का प्रयोग कहाँ किया है सबसे पहले सूत्र में ही किया वृद्धिरादिच क्या है? आईच। तो आईच यहां पर है आईच आईच का अर्थ क्या हो गया आई आउ। बस ठीक है तो वही है आ ए आई औ दो वर्णों का उपदेश करके अंत में च रखा है इससे चार प्रत्यार बनते हैं अच इच एच आईच ठीक है जी अब कितने प्रत्यार हमने बना लिए देखिएगा चार इससे बन गए एक इससे बन पाँच, पाँच गया पांच पांच हो गए आपके और तीन इससे बन गए थे आठ और एक इससे बन गया था पहले वाले से नौ प्रत्याहार बन गए आपके बोलो कितने बन गए नौ प्रत्याहार नौ प्रत्याहार बना लिए माने आई उन री रिक एंग आई औ इन चार प्रत्याहार सूत्रों से हमने नौ प्रत्याहार बना लिए यहां से लेकर के यहां यह चार सूत्र हैं नौ प्रत्याहार बन गए हैं हमारे ठीक है अब नौ कहीं कम ज्यादा तो नहीं हो रहे कभी गिनने में भी भूल चूक हो जाती है ठीक तो है वीडियो तो हमारे है इसलिए अच्छी प्रकार से फिर गिन लेते हैं ठीक है ठीके? एक इससे बन रहा था और तीन इससे चार पांच पांच और चार नौ नौ ही बन रहे है, नौ ही है भूल चूक लेन देन नहीं है अब नौ ही है अब देखिएगा अब क्या है आ और अच कहेंगे हम तो इन सभी स्वरों का बोध हो जाएगा और इनके जो भी भेद हैं दीर्घ पुलुत उदात अनुदात्त स्वरित सभी प्रकार के आकार इकार उकार रिकार, रिकार, एकार ओकार अकार अवकारों का ग्रहण है अच कहने से सभी प्रकार के ये स्वर आ जाते हैं अब व्याकरण में हम बार बार आपको क्या बोलेंगे अच बोलेंगे ध्यान रखेंगे क्या बोलेंगे जी बोलो अच अच बोलेंगे अच का अर्थ क्या हो गया स्वर स्वर माने बॉबल्स और अब बच गए आपके व्यंजन कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स को हम संस्कृत भाषा में जब पढ़ेंगे तब क्या बोलेंगे हल वो आपको आगे समझ में आएगा हल बोलेंगे क्योंकि अब यहां से हा से लेकर के ल ये ये क्या है आपके इसमें यहां से यहाँ तक प्रत्याहार बनाते हैं ह के साथ ल का तो ये सारे व्यंजन आ जाते हैं इसलिए हल कहने से व्यंजनों का बोध होता है व्याकरण में और अच कहने से स्वरों का बोध होता है अब हम आपको बोलेंगे अच तो समझ जाइएगा स्वर बॉबल्स हम बोलेंगे आपको हल तो आपको समझ जाइएगा आप समझ आ, समझना चाहिए सभी व्यंजन कॉन्सोनेंट ठीक है चलिएगा अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे हाया चलिएगा मित्रों एक करोड़ लोगों तक महर्षि पाणनी के व्याकरण को पहुंचाने के लिए हम कृत संकल्प हुए हैं और ये हमारा संकल्प दिन प्रतिदिन परिपक्व ही होता जाए ऐसी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और ये हमारा संकल्प पूरा हो पूरा करने के लिए आप सभी के अंदर भी ऐसी परमपिता परमेश्वर प्रेरणा दे कि आप इन वीडियोज को करोड़ों करोड़ों लोगों तक शेयर करके पहुंचा दें तभी तो हमारा संकल्प पूरा होगा ठीक <laughs> है चलिएगा हमारे संकल्प की पूर्ति में आप सभी का महान योगदान अपेक्षित है आशा करते हैं आप हमें इस अपेक्षा से पूर्ण करेंगे इस अपेक्षा से वंचित नहीं करेंगे महर्षि पांडि के व्याकरण को करोड़ों लोगों तक ले जाएंगे सर्वेभ्यो नमः